तो आज मंगल है, दोबारा से दंगल करते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेलको ट्यूसडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए लेके आ गया हूं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक लाइक का बटन दबा दो। एक छोटा सा एम रखा है, लाइक टारगेट रखा है 2000 लाइक्स का। अगर आप ये पूरा कर देते हो तो आगे के और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो पहला अपडेट है जियो की तरफ से, और यहाँ पे 8000 करोड़ जियो यहाँ पे रेज करना चाह रहा है, जिसमें से 5000 करोड़ बैंक से और 3000 करोड़ म्यूचुअल फंड से, जहां से थोड़ा सा इंटरेस्ट वो वहां पे देगा। तो जियो जो है वो बैंकों के चक्कर लगा रहा है, या यूं कहूं बैंक इनके चक्कर लगा रही होगी कि भाई प्लीज हमसे ले लो कर्जा, हमसे ले लो। अब बेसिकली यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि जियो को क्या जरूरत पड़ गई, रिलायंस को क्या जरूरत पड़ गई, तो इनको ऐसी छोटी मोटी बैंक्स SBI, HDFC, एक्सिस, इनसे पैसे की क्या ही जरूरत पड़ गई। तो सीन ये निकल के आया कि 2014 और 15 के अंदर इनके कुछ स्पेक्ट्रम ड्यूज बाकी हैं, जो इन्होंने 2014-15 में लिए थे वो इनको चुकाने हैं। कोई खास बात नहीं है, जैसे आप और मैं 20-30 हज़ार फोन के EMI बनवाते हैं, वैसे ही 8-10 हज़ार करोड़ के स्पेक्ट्रम की EMI बनवा लेते हैं। ये एक फैक्ट बात बताऊं, जियो जो है 2016 में लॉन्च हुई थी, लेकिन पैसा जो है 2014-15 का बाकी है। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, तो वो है बिजली के खंभे से 5G। बेसिकली COAI जो है, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि बिजली के खंभों से हम 5G को प्रमोट करेंगे। कैसे, इसके पीछे अलग ही एक सीन है। 5G के अंदर मिलीमीटर वेव आ सकता है, और मिलीमीटर वेव की खासियत ये होती है कि जो उस ग्राउंड एरिया होता है बहुत कम कवर करता है, लेकिन स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा देता है। तो इन्होंने क्या प्रस्ताव रखा है कि जो स्ट्रीट फर्नीचर होता है उसको यूज़ करके हम 5G को और ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करवाएंगे पब्लिक को। और स्ट्रीट फर्नीचर में आ जाते हैं पोल्स। अब पोल्स के लिए गवर्नमेंट के दूसरी अथॉरिटी से इनको परमिशंस लेने पड़ेंगे कि भाई कौन कौन सी चीज़, कौन कौन से पोल्स जो हैं वो गवर्नमेंट दे सकती है 5G के डब्बे लगाने के लिए, जिसके अंदर ट्रैफिक लाइट्स आ गई या फिर आप कह लो कैमरा वाले पोल्स आ गए। इन सारे खम्भों के ऊपर एक 5G का डब्बा लगाया जाएगा, जिससे शहर में अच्छी कवरेज बनी रहे ऑलमोस्ट हर जगह पे। तो ये एक 5G को बढ़ावा देने का तरीका इन्होंने निकाला है। आप बताओ आपको क्या लगता है, खम्भे पे 5G से, 5G फ्री में तो मिलने नहीं वाला, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना। तो अगली अपडेट भी 5G को लेकर के ही है कि भाई अभी कितने ही दिन हुए पैसे बढ़ाए हुए, और खबर ये निकल के आ रही है कि 5G लॉन्च होते ही एक और मेजर प्राइस अपग्रेड या प्राइस हाइक हो सकता है, जो कि 20-30% तक यहाँ पे जा सकता है। 5G में कह रहे हैं कि कंपनियों के बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, उसके बाद स्पेक्ट्रम में अभी जो ऑक्शन होंगे उसमें और ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे, और उसके बाद सस्टेनेबिलिटी के लिए टेलीकॉम सेक्टर को थोड़ा ग्रो करने के लिए और ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ही ऑप्शन है इनके पास, कस्टमर की जेब से खींच लो। एक तरफ हमने पिछले एपिसोड में ये भी बात करी थी, गवर्नमेंट एक अपनी तरफ से भी इनिशिएटिव ले रही है कि इस बार जो स्पेक्ट्रम ऑप्शंस हैं वो थोड़े सस्ते करे जाएं, जिससे टेलीकॉम ऑपरेटर्स जल्दी से ब्रेक इवन पे आ जाएं और कस्टमर को इवेंचुअली सस्ते प्लान्स मिल पाएं, लेकिन ऐसा इरादा लग नहीं रहा है ऑपरेटर्स का। वैसे एक बात बताओ, अगर 5G में 30% ज़्यादा पैसा और देना पड़ता है अभी के प्राइसेस से, तो क्या आप 5G प्रेफर करोगे या 4G कनेक्टिविटी में खुश रहोगे? क्योंकि 5G अगर महंगा है तो ख़त्म भी जल्दी होगा उसका डेटा स्पीड की वजह से, ये भी सोच के देखना। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं, तो एक इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ICRA। बेसिकली वो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग्स देखते हैं, तो उन्होंने ये देखा, जो सारे स्टैट्स देखे उसके ये पता चला कि एयरटेल और वी, जब ये प्राइस हाइक हो गया उसके बाद भी, अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23 आने वाला है तब तक उन्होंने एस्टिमेट किया है कि इन कंपनीज की ग्रोथ 18% से 20% तक आराम से हो जाएगी, और इनका ARPU जो है वो 170 तक क्रॉस कर जाएगा। एक तरफ जहां पे गवर्नमेंट ने इनको काफ़ी सारा सपोर्ट कराया, जो मोरेटोरियम्स दिए, इसके अलावा इनको कैश इनफ्लो काफ़ी सारा मिल गया, ये प्रीपेड प्लान्स एक साल के पुराने रेट में बेचने से, तो कैश इनफ्लो बहुत आ गया इन कंपनीज के पास, और साथ में गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल गया, इस वजह से 5G या बाकी के नए डेवलपमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिससे और ज़्यादा कस्टमर बेस अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। इवेंचुअली अगर आपने 3 महीने पहले VI यानी वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में पैसा लगाया होता तो आज आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो गया होता, कुछ 5-6 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज देख लो 15 रुपये तक क्रॉस कर गया है। तो एक बात तो क्लियर दिख रही है कि यहाँ से टेलीकॉम इंडस्ट्री का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिख रहा है, और हमारा फ्यूचर थोड़ा सा डार्क, क्योंकि जेबें हमारी ही हल्की हो रही हैं।
नेक्स्ट चीज है 4G को लेके। अगर आप आज की डेट में देखो तो 4G आज भी और आने वाले काफी सालों तक रेलेवेंट रहेगा और जरूरी भी रहेगा, नहीं तो हजारों करोड़ यूं ही ये सारे टेलीकॉम जायंट्स जो हैं वो ऐसे ही खर्च नहीं कर देते स्पेक्ट्रम में। वो कहते हैं ना कि सस्ता रहो एक बार महंगा रहो बार बार। आज भी हमको जो 4G मिलता है वो सस्ता भले मिलता है लेकिन क्वालिटी नहीं मिलती, हाई स्पीड्स नहीं मिलती, ओवरलोडेड यूजर्स और कंजेशन होने की वजह से वो स्पीड या वो क्वालिटी नहीं मिल पाती जो एक्चुअल ट्रू 4G के अंदर हमको मिलनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो टेलीको ऑपरेटर्स हैं वो डेफिनेटली 3-5 साल तक 4G को सपोर्ट करेंगे अच्छी तरह, और बल्कि और ज़्यादा बेटर हो सकती हैं स्पीड्स, क्योंकि काफ़ी सारे लोग 5G पे शिफ्ट हो जाएंगे या फिर इनके पास जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे और ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगे। मुझे लगता है 4G काफ़ी अच्छा भी चलेगा और आगे तक। तो अगर आपको भी लगता है कि शुरुआत में 5G के प्लान औकात से बाहर रहेंगे, हम 4G पे ही रहने वाले हैं काफ़ी टाइम तक, तो एक लाइक ठोक देना इसी बात पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रियलमी की तरफ से अपडेट है। नहीं, यहाँ पे हम फोन के लॉन्चेस या लीक्स या इस तरीके की कोई बात नहीं करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है 5G को लेके। रियलमी की तरफ से अपडेट ये है कि इन लोगों ने जो अपनी R&D फैसिलिटीज हैं इन सब को टोटली 90% फोकस शिफ्ट कर दिया है 5G के ऊपर, और बाकी बचा कुछ 10% तो इधर उधर से कॉपी हो ही जाता है, उसमें कौन सी खास बात है। मुद्दे पे आते हैं तो रियलमी एक इंडियन मार्केट के अंदर स्मार्टफोन कैटेगरी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, स्पेशली बजट फोन्स के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ 2-3-4 महीनों के अंदर हमको बजट 5G फोन्स देखने को मिलने वाले हैं डेफिनेटली। अब इंडियन मार्केट के अंदर जो ज्यादातर लोग परचेस करते हैं वो 15,000 के अंदर प्रेफर फोन करते हैं, कि नया फोन ले रहे हैं तो 15,000 रुपए के अंदर का बजट है और कुछ 2-2.5 साल हमारे निकाल दे। इस वाली ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहा है रियलमी, और बहुत जल्दी हमको ये वाले बजट फोन देखने को मिल सकते हैं, तो आम आदमी अच्छी तरीके से 5G एक्सपीरियंस कर पाएगा। आम आदमी मतलब दिल्ली नहीं, वैसे सारे कॉमन पीपल। तो ये 10-15 हज़ार वाला जो मिड सेगमेंट होता है ना, इसके अंदर भी 5G काफ़ी वाइडली अवेलेबल हो जाएगा। अगर एक कंपनी स्टार्ट कर देगी तो बाकी तो फॉलो करने के लिए है ही है। इसके बाद ना एक अपडेट है रियलमी के लिए, रियलमी के साथ हो गया KLPD। अब ये KLPD क्या हुआ है ये मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, ये बताऊँगा मैं शॉर्ट्स में, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने नहीं फॉलो किया है तो नया चैनल मैंने बनाया था सरकास्टिक शॉर्ट्स के नाम से। तो ये वीडियो पब्लिश होने के कुछ ही घंटों के बाद मैं वहाँ पे पूरा डिटेल में डालने वाला हूँ क्या हुआ है रियलमी के साथ, फॉलो कर लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है। अगर आपको एक बेस्ट लैपटॉप देखना है 45,000 की रेंज में तो एक वीडियो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप देख लेना। और दूसरी जो वीडियो है वो मैं कुछ यूनिक वेबसाइट्स की लगा रहा हूँ जो आपने अभी तक शायद नहीं देखी हो, डू चेक देम आउट। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे सकास्टिक, सी या।